बड़ागांव बीट में पौधों का प्लांटेशन बना भ्रष्टाचार का अड्डा, गड्ढे अभी तक खाली, वहीं दोषियों पर कार्रवाई शुरू। शिवपुरी वन क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपनी सीमाओं को लांघता जा रहा है, इसी की वानगी बीट बड़ागांव में देखने को मिली है। बीट बड़ागांव के कक्ष क्रमांक 73 में लाखों रुपए की राशि खर्च कर एक प्लांटेशन लगवाया गया था, उसमें पौधे लगवाए गए थे। वर्तमान में इन वृक्षारोपण को देखने पर खाली गड्ढे पड़े हुए हैं और पौधे जीवित नहीं दिखाई देते। प्लांटेशन को मवेशियों का चारागाह बना दिया गया है। प्लांटेशन की बाउंड्री को जगह जगह से उठवा दिया गया है। इस प्लांटेशन में हुई अनियमितता यहीं पर जाकर नहीं रुकती है, बल्कि प्लांटेशन में वन विभाग की नाक के नीचे बोर खनन कराकर प्लांटेशन में हैंडपंप लग चुका है। साथ ही प्लांटेशन में अवैध रूप से खंडा बोल्डर का अवैध उत्खनन हुआ है, इसके साक्ष्य मौके पर देखे जा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी वन विभाग दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। फर्स्ट समाचार ने पूर्व में खबर प्रकाशित की थी, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई। देखना होगा कि वन विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी कब तक इस लापरवाही को मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे और दोषियों पर कार्यवाही नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष भार्गव। क्या शिकायत है आपकी? मेरे द्वारा वन विभाग द्वारा किए गए प्लांटेशन की जानकारी मांगी गई है, लेकिन आरटीआई के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कई बार प्लांटेशन के संबंध में रेंजर साहब, सीसीएफ साहब और डीएफओ मैडम को भी शिकायत की गई है। आज दिनांक तक कोई भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे द्वारा प्लांटेशन पर किए गए बोर के जानकारी मांगी गई आरटीआई के द्वारा, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्लांटेशन पर लाखों रुपए सरकार का खर्च हो चुका है, प्लांटेशन पर एक भी पेड़ जीवित नहीं है।